भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस आज भारतीय सेना के त्याग बहादुरी समर्पण सम्मान व वीर शहीदों की स्मृति में मनाया जाता है। ये दिवस हमारी तीनों सेनाओं यानी नौसेना वायुसेना और थल सेना को है समर्पित। पांच राज्यों के चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी संसदीय दल की पहली बैठक आज। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ दोनों सदनों के बीजेपी सांसद हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 दिसंबर को करेंगे उत्तराखंड के देहरादून का दौरा। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में आयोजित उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का करेंगे उद्घाटन। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को भी करेंगे संबोधित। रवांडा के विदेश मंत्री डॉक्टर विंसेंट बिरूटा 2 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों और भारत की रवांडा की उच्चायुक्त मुकानगिरा जैकलिन ने किया डॉक्टर बिरूटा का स्वागत। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 6 एनएसए स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए आज मॉरिशियस पहुंचे। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में भारत, श्रीलंका और मालदीव हैं शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चक्रवर्ती तूफान मिचौंग से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण से किया दौरा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन भी रक्षा मंत्री के साथ रहे मौजूद। चक्रवर्ती तूफान मिचौंग ने तमिलनाडु में काफी नुकसान पहुंचाया है, जिसे लेकर राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में केन्या गणराज्य के राष्ट्रपति विलियम्स रूटो से की मुलाकात। केन्या के राष्ट्रपति रूटो भारत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष इकाइयों में शामिल यूनेस्को ने गुजरात के पारंपरिक गरबा डांस को सांस्कृतिक धरोहर माना। यूनेस्को ने गरबा डांस को दुनिया भर में गौरवशाली उपलब्धि माने जाने वाली सूची में किया शामिल। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल ने जताई खुशी। तेज हवा चलने से दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता में सुधार। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 276 किया गया दर्ज। हवा की रफ्तार बढ़ने से प्रदूषण स्तर में आई कमी। आईसीसी की ताजा जारी T20 की रैंकिंग में रवि बिश्नोई बने T20 के नंबर 1 गेंदबाज। रशीद खान को हटाकर दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज का खिताब किया हासिल।